आजाद हिंद चेतना मंच के तत्वावधान में अमर क्रांतिकारी शहीद सुखदेव का जन्म दिवस बेतिहाता स्थित भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष मनाया गया। आजादी के महान क्रांतिकारी भगत सिंह के साथी तथा साथ ही साथ मौत को गले लगाने वाले भारत माँ के महान सपूत व युवाओं के दिल की धड़कन शहीद सुखदेव की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किया गया तथा मोमबत्ती जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, मंच के अध्यक्ष रघुवंश हिंदू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुरनी से बात करते हुए मंच के अध्यक्ष रघुवंश हिंदू व पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, महान शहीद सुखदेव जी का जन्मदिन है। सबसे समझने वाली बात यह है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी 1931 में, और सुखदेव आज वर्तमान समय में जहां पंजाब सरकार ने बहुत भारी गलती कर रखी है, क्योंकि विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति हिंदू चेतना मंच अपना समाज और सभी लोगों के द्वारा मिल करके एक महान अभियान चलाया जा रहा है शहीदों के सम्मान के लिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सुखदेव जी का फोटो पंजाब सरकार ने राजगुरु के फोटो पर सुखदेव जी का नाम लिख करके और पूरा साल वो बिता दिया, लेकिन उनको ये अंदाज़ा, उनके अधिकारियों को या किसी को ये नहीं पता चला कि हमने फोटो राजगुरु का लगाया है और सुखदेव का नाम लिखा हुआ है। ऐसे महान शहीदों का इस तरह से अपमान हो रहा है इस देश में, और इस देश में शहीदों के बल पर जो देश चल रहा है, इन देश शहीदों का अगर सम्मान नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा और देश के लड़ाई के लिए कौन आगे आएगा। आज सुखदेव जी का जन्मदिन है, 24 साल की उम्र में उनको फांसी हुई थी, और फांसी की एक छोटी सी वाकया हम जरूर बताना चाहेंगे कि फांसी के समय सुखदेव भी एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिनको जेल से जाने के लिए या भागने के लिए सारी व्यवस्था की गई थी, लेकिन सुखदेव भगत सिंह से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने कहा, जहां भगत सिंह रहेंगे वहीं रहेंगे, अगर भगत सिंह स्वर्ग में जाते हैं इस देश की आज़ादी के लिए तो हम भी उनके साथ जाएंगे। ऐसे महान क्रांतिकारी का हम आज लोग जन्मदिन मना रहे हैं। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक जागृति आनी चाहिए कि हमारे शहीदों का, वर्तमान में शहीदों का सम्मान हो, जिससे तब जाकर के जन क्रांति होगी और तब जाके सच्चे देश का, समाज का निर्माण होगा। आज अमर शहीद सुखदेव जी की जयंती मनाई जा रही है। विश्व के सबसे लंबा तिरंगा और हिंदू चेतना मंच द्वारा हर शहीदों को, राष्ट्रहित में जितने भी शहीद हुए हैं और जिन्होंने देश के लिए अपने को बलिदान दिया है, उनका को शत शत नमन करते हैं। ये मैं इन लोगों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ इस संगठन का, कि ये देश हित में जो हमारे युवा हैं उनको एक मिसाल कायम करता है इनके इस कार्य को, कि देश क्या है, राष्ट्र क्या है, और राष्ट्र के लिए जान निछावर करने वाले ऐसे ऐसे लोग जिनको लोग आज भूल चुके हैं, उन्हें ये कहते हैं, नहीं भूलो नहीं, इन्हीं के बदौलत हम आज़ाद हैं। और आज उनकी यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है आज, और मैं हम उन्हें अपनी श्रद्धा सम्मान अर्पित करती हूँ, शत-शत नमन करती हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ इस संस्था का, जो इतने पुनीत कार्य को हमेशा करते हैं और आम जनमानस के अंदर ये संदेश देते हैं। और आपका भी, मैं आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि अच्छे कार्यों को आप आम जनमानस तक अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाते हैं। मैं आपका बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ आज इस जन्मदिन का, बहुत बहुत धन्यवाद।